अबे कल्लू, अंबानी जैसे अमीरों का बेटा होने के लिए किस्मत चाहिए। अगर कड़क प्लानिंग करे ना तो उनका दामाद बन सकते हैं। बस अकल होनी चाहिए और लड़की होनी चाहिए। अबे पहले 40,000 की सोच। मेरे पास आइडिया है, 40 लोगों से 1,000 मांगते हैं। 40 से मांगेगा, पहले एक का तो नाम बता। गाय तोंडे, तुझे उधार देके मैं गंजा हो गया। तू तो दक्षिणा की थाल से भी पैसा ले जाता है। जो कोई तुझे देगा माल वो हो जाएगा कंगाल। चप्पल उतार के मारूंगी। यार ये तो गड़बड़ हो गई, दुनिया में कोई भी उधार देने के लिए नहीं है। कोई बचा हो तो देगा, अपन किसको छोड़ा है क्या? मम्मी। अबे कोयले, कोई तो होगा जो मुझ पर यकीन करके अपने 40,000 खुद ही गंवा देगा। टप्पू स्वामी। Someone's coming late. कितनी देर से फोन ट्राई कर रही थी, तेरा स्विच ऑफ आ रहा था। रात को चार्ज करना ही भूल गया। Come on, let's go ना। छोड़ यार, लाइट को जाके 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। हमेशा की प्रॉब्लम। तुम कब जिम्मेदार बनोगे? हाँ? एक मिनट। Hey, next flight कब है? No way bro, कोई भी खाली नहीं है। 31st है brother, impossible. Okay, listen guys, अहमदाबाद से मुंबई है 500 किलोमीटर, अहमदाबाद से बड़ौदा, बड़ौदा से मुंबई, बाय रोड हम 8 घंटे में शाम तक पहुँच जाएंगे। Come on, let's go. ये सही है, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो फिर सोल्यूशन लेकर आ जाओ। जानता हूँ, चलो अभी। पहले तो जमीला जब देखो तब कस्टमर भेज देती थी, अब तो हम अपनी मर्जी के मालिक है कम्मो। अब जब मन करेगा काम, जब मन करेगा आराम। बस तू खुश रहे। किशोर फ्रॉम इंदौर। हाँ तो तुम दोनों मुझे बहुत प्यारी लगी, और तुम तो अमावस की चांद लगती हो, और तू काली रात। तुम्हारा नाम? तुझे क्या बता भी तो चांदनी, बात करने में आसानी होगी। सरोज। सरोज, मैं कम्मो। डबल सिम वाले मोबाइल नाम किसने पूछा? चार्जर चाहिए था इसलिए बताया। एक बात बताओ सरोज, तुम किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। मुंबई जाके क्या करोगी? वहाँ जाके मूंगफलियाँ बेचूंगी। तू क्या करता है? समाज में खुशहाली लाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ बदनसीबों के लिए, मंदिरों में जाके दान करता हूँ। मदर टेरेसा और ब्रदर नंद किशोर यही कहते हैं। मैंने गांव के स्कूल के ब्लैक बोर्ड को काले किया है, बिना खर्च के परवाह किए पुण्य का काम किया है, और उसके बाद अस्पताल में मैंने बांटे हैं 6 apple 5+1, सारे पेशेंट को मैंने बराबर बांट दिए। पर उसके लिए तो उन गरीबों के हालात को देखते हुए खटाखट काट के सारे पीस उनमें बांट दिए। तो ये सब मुझे क्यों बता रहा है? आता हूँ, I'll come to the point. I'll come to the point, सर। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ। क्या करेगा? जिंदगी बना दूंगा सर। रोज रोज नए प्रेमी के बजाय क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी लाइफ बना दूंगा।
यानी रोज एक ही मिलेगा। बहुत है। कुछ मेरे बारे में भी सोच। मिलावटी इंसान, मैंने तुम्हारा ठेका लिया है क्या? जब मैं सुंदरी से बात कर रहा हूँ तो अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ। कीप क्वाइट। सर, तुम्हारे माँ बाप से मुझे कोई मतलब नहीं, जाति और धर्म से भी कोई मतलब नहीं। जायदाद और दहेज मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। That's only my desire. Yeah. क्या रे, मेरे से शादी करनी है? थोबड़ा देखा अपना? अरे तुम क्या बात कर रही हो, अभी भी हैंडसम लगता हूँ मैं। इतना मत भड़को, शांत रहो सर। चल बहुत हो गया तेरा, भाग यहाँ से ठिंगने बुड्ढे। अरे मैं गबरू जवान हूँ, मेरी हाइट देखो। देख लिया ना? यस। नीचे उतर, नीचे उतर, उतर। ये क्या? चल बाथरूम के पास जाके बैठ। छोड़ो, जाता है कि नहीं? मैया 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 आ जा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा मैया 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 आ जा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार। बड़े भाई, आपसे थोड़ी बात करनी थी। मैया 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 आ जा, नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा या हम दुखी हैं। पैसे चाहिए तो थोड़े से। नगम्मा भक्तों की सुन ले पुकार, नगम्मा हमको कर दे सुखी, नगम्मा या हम है। 40,000 रुपए चाहिए थे। 40,000? बुढ़िया बीमार है क्या? तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को पार्टी देने के लिए। पार्टी के लिए पैसे? तू पागल तो नहीं हो गया? अबे तू क्यों बजा रहा है? इसने पहले ही बजा दिए। लाइफ एंड डेथ का मैटर है बड़े भाई। ज़्यादा बोला ना तो यही गाड़ दूंगा 2 गज जमीन के नीचे। बड़े भाई, हम कहाँ रहते हैं? क्या मतलब? हमारा एड्रेस क्या है? पाली हिल्स। पाली हिल्स? हाँ। अरे ये भी पाली हिल्स ही है, अमीरों की। और अपनी एक पाली हिल है झोपड़पट्टी, गंदी बस्ती, और हम सब टपोरी लोग। तो क्या? तो क्या पूछ रहे हो आप? थू, कीड़े मकोड़ों की तरह जीते हैं। बस्ती में मरने वाले की क्या कीमत होती है? पाली हिल में मरने वाला फ्रिज में रहता है, और हमारे यहाँ घंटे में जला दिया जाता है। ये सब ना पैसे का खेल है बड़े भाई। तू क्यों जल रहा है यार? एक्चुअली बात यह भाई, पूजा नाम की एक लड़की है, पाली हिल्स में रहती है। उसकी प्रॉपर्टी 400 करोड़ की है। एकदम माला माल पार्टी है, ऑलमोस्ट टाका भिड़ गया भाई। आप एक बार मदद कर देंगे ना तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी भाई। कर दो ना बड़े भाई। तेरा क्या फायदा इसमें? ये सेट तो मैं भी सेट, ये मालिक तो मैं, इसका ड्राइवर। कर दो ना बड़े भाई, कर दो ना। कुछ तो करो ना। अब मैं इतने पैसों का इंतजाम कहां से करूं? मैं बैंक नहीं चलाता हूं, मैं भजन पार्टी चलाता हूं। प्लीज बड़े भाई, प्लीज प्लीज कर दो ना, कुछ कर दो ना। आप बैठ जाओ, कर दो ना। अच्छा राजू, हाँ? ये बेच दे, ये गाड़ी मस्तान भाई की गाड़ी है। आपको खरीदनी है? बेच दूंगा। हमने उसे केबल के पैसे नहीं दिए तो वो मेरी उंगली के पीछे पड़ा था। अगर आप उसकी गाड़ी खरीद लेंगे तो वो पता नहीं मेरा क्या क्या काट देगा। करेक्ट। समझ गया। अगर इतना पैसा कमाना है तो कुछ करना पड़ेगा। वैसे तू नहीं कर सकता। चेन को खींचो। चेन को? चेन खींचो, ट्रेन की चेन। औरतों के गले की लटकती हुई चेन बे, उसको खींचो। क्या बड़े भाई, औरतों की चेन ये क्यों खींचेगा? अबे चुप, बता देता हूँ, अमीर बनना कोई खाने का काम नहीं, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, इसलिए टेढ़ा काम करना ही पड़ेगा। अपुन की भी कोई रेपुटेशन है समझा? ये कोई चोरी वोरी नहीं करने वाला। अरे तो भड़करा क्यों है? अपुन टपोरी है, चोर नहीं। तो ठीक है ना, मैं आइडिया दे रहा था, लेना है तो ले, शाम तक चेन लेकर आ जाऊंगा। ये क्या बोल रहा है तू? मेरा वादा रहा, आधे घंटे में पैसे ला के दूंगा। पैसे तैयार रखना। ए राजू, एड़ा हो गया क्या? अच्छा सुन 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 सुन, क्या कर रहा है तू? मोटी वाली चेन मत खींचना। क्यों? बेचना मुश्किल हो जाता है। ओके। अच्छा सुन 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 सुन, एक और बात है, पतली चेन भी मत खींच लाना। क्यों? वो भी नहीं बिकती है। तुम भी आ जाओ। क्यों? खींचने से पहले नाप तो लेना। बाबा, किडनी कहाँ पर होती है? मुझे पता ही नहीं है। वो यहाँ इधर होती है। बाप रे, कैसे निकलेगी बाहर? आपने तो कहा था कि लोहा घुसेड़ कर निकालते हैं। लोहा नहीं पद्मा, डॉक्टर चाकू से निकालते हैं। बच्चों भाई का असल पैसा भी नहीं चुका पाता अगर मैं अपनी किडनी न बेचता। ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। गरीब आदमी का अपना बच्चा ही उसकी जायदाद है बेटा। मैं अनपढ़ था, मेरा लड़का अनपढ़ था, तू भी अनपढ़ ही है। तेरा बच्चा तो पढ़ लिख जाएगा, अगर पढ़ लिख गया तो 2 वक्त की रोटी तो कमाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है। शानू को मैं बहुत पढ़ाऊंगी, उसके लिए मुझे किडनी ही नहीं, चाहे पूरा शरीर बेचना पड़े।
हाँ।